ये आरएसएस और बीजेपी का काम प्रोग्राम है, अगर धार्मिक का होता हम जरूर जाते। ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये वोट प्रतिष्ठा है। अगर उद्घाटन करना था रामनवमी पे करते, अपनी सीट के लिए, अपने के लिए, अपना हैम के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। वो जाके ऐसे मजाक करते हैं कि मैंने 60 करोड़ का वो लगाया है, अगर ये चोरी हो गया तो ये गर्दन कट जाएगी पुजारी की। राजनीति में धर्म का कोई मतलब नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? रास्ता तो ये होता है कि धर्म से नहीं जुड़ना चाहिए। राजनीति के अलग, मंदिर अलग। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं पहाड़गंज के मुल्तानी ढांडा गली में मौजूद हूँ। एक यहाँ पर ईंटों की दुकान है, तो इनके यहाँ पर जो दुकान है जिनकी लक्ष्मण और राम मंदिर उद्घाटन की हम बात कर रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन के लिए लोगों में कितना उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को रखने वाले। तो लक्ष्मण जी से पूछेंगे राम उद्घाटन के मंदिर के बारे में, कैसा लग रहा है राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है? राम मंदिर का जो उद्घाटन अयोध्या में हो रहा है, राम की आस्था सब में है, हर हिंदुस्तानी में है। आस्था का मतलब नहीं, अभी मंदिर में कुछ काम नहीं हुआ, अधूरा है। जैसे हम न्यूज में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि चैनल वाइज चैनल पब्लिक का रुख देख रहे हैं कि जब मंदिर पूरा नहीं हुआ, आदमी की आस्था होती है कि पूरा मंदिर बने तब उसको पूजा करो। पूजा करने के लिए जगह अपने मन में भी बहुत है, जरूरी अध्याय नहीं जाना है। राम को मानी होना, राम सबके हैं, एक तो किसी के नहीं, राम पूरे भारतवर्ष के राम है। हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि आपने मंदिर जाना है या नहीं जाना, वो एक है। कभी भी जिंदगी के अंदर कोई भी हो, देश के अंदर आस्था जो होती है धर्म होता है। राजनीति में धर्म का कोई मतलब नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? रास्ता तो ये होती है कि धर्म से नहीं जुड़ना चाहिए। राजनीति के अलग, मंदिर अलग। कौन जोड़ रहा है? आज हिंदुस्तान के अंदर सब मानते हैं, हम भी हिंदू हैं, सारा देश भारत हमारा हिंदू है। हमने ये तो नहीं कहा कि राम मंदिर जाके अपने राम को दिखाना है। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे मन में मंदिर होना चाहिए, ना कि अयोध्या जाके राम मंदिर। मैंने फिर बार बार कहूंगा आपको, अपने मन में आस्था होनी चाहिए आदमी की, ना कि अयोध्या जाके आप दिखा रहे हो कि एक राजनीति का मैटर नहीं होना चाहिए। राजनीति धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। कौन जोड़ रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये आप देख रहे हो, समझदार न्यूज वाले हो आप, जो भी आज सरकार बैठी है तो वो इसी चक्कर में लगी हुई है, अपने दिखाने के चक्कर के अंदर की मंदिर और पॉलिटिकल लेवल, ये कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा पॉलिटिकल लेवल अलग रहना चाहिए। हमारी भावना जो है, हमारी मंदिर की है, कहीं भी धर्म से जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं, जो तो हम भी है, सभी हिंदू है। आस्था हम अपने यहाँ बनाएंगे, हम दिल्ली के अंदर करेंगे, जो करेंगे। मतलब राजनीति से अलग हटके धर्म को अलग रखते हैं, धर्म से राजनीति में लाने का कोई मतलब नहीं है। अब शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि उद्घाटन तो हमें करना चाहिए था, प्रधानमंत्री क्यों? अभी देखो कितनी, आपको आज आपका न्यूज देखा होगा नोवा टाइम्स में, मैंने भी पढ़ा था चारों न्यूज में। हमारे जो महंत है, आदर के मान होते हैं, देश के गौरव होता है हमारा महंत, वो ये कुछ कह रहे हैं कि यार ये कोई मंदिर का उद्घाटन हमने करना है, किसने करा? जब मंदिर ही पूरा नहीं बना तो आस्था किस चीज की है? हम नहीं मानते कि ये अधूरा मंदिर है जो हमारे, उन्होंने सबने मना कर दिया 5 महीने। आज हमने भी न्यूज पढ़ा, रेली न्यूज पढ़ते हैं, हम भी राम को मान रहे हैं, रामनवमी को मानते हैं, रामनवमी को मनाते हैं। 22 का विषय क्या है? 22 कहीं ना कहीं राम मंदिर उद्घाटन में लोकसभा चुनाव का पेच तो नहीं लड़ाया जा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है हिंदुओं को, वोटर्स को एक बैंक या उसपे, मतलब की देश के अंदर अभी लोकसभा होनी है और ये लोकसभा के अंदर जिस तरह से ये आस्था लेके चल रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी सीट के लिए, अपने के लिए, अपना हैम के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, मैंने पहले भी कहा, आस्था के लिए राजनीति का कुछ चक्कर नहीं धरूंगा, धर्म अलग, राजनीति अलग। आज हिंदुस्तान में हमने अभी, हम भी देख रहे हैं, हमारी भी उम्र हो गई 54 साल की, तो कभी धर्म और राजनीति का नहीं देखा, ये अब देखना पड़ रहा है 2014 के बाद। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी शुरुआत हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? अभी देखो, एक युवा आदमी है राहुल गांधी जी, हमारे आज पूरे देश के नेता है राहुल गांधी जी। आज अपनी इस उम्र के अंदर, अभी आप लोग कन्याकुमारी से कश्मीर से उन्होंने यात्रा करी, अब एक और यात्रा उन्होंने चालू करी है, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा। न्याय यात्रा में ऐसा आता है कि हम देश के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उस यात्रा के अंदर शामिल होते हैं, जाते हैं और देश की आवाज उठाते हैं, देश के लिए ये करते हैं, युवा को नौकरी और बेरोजगार को काम, और जो
जो हिंदुस्तान में आजकल हो रहा है आपने देखा है, रोजगार बिल्कुल नहीं है, बेरोजगार है आदमी, काम नहीं है लोगों पे, तो ये बहुत हिंदुस्तान के लिए बहुत हमारे हमारे जो श्रम कर्मी है काम करने वाले उनको धंधा नहीं, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, वो आपके सामने सारा देश। फिर भी इतनी समस्या है, फिर भी जनता क्यों कह रही है कि मोदी ही आएंगे, क्योंकि जो राम को लाए हैं वही सत्ता में आएंगे? वो तो ईवीएम का चक्कर है ना। हाँ। ईवीएम के हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अच्छा। अब जो बैलेट पेपर पे बोल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि पब्लिक आप बैलेट पेपर पे वो करवाए चुनाव, पर पब्लिक करवा नहीं रही। हिंदुस्तान के अंदर आज हिंदुस्तानी जो भी चाहता है ईवीएम मशीन से हो रहा है, आप देख लोगे। अभी तीन सरकारें में अच्छी वाली कांग्रेस की आ रही थी, हिंदुस्तान चाह रहा था, अभी तीन सरकारें हमारी आ रही हैं, एकदम क्या से बदल गया, कुछ तो कुछ वजह ईवीएम की, कुछ तो होगा ईवीएम का। जब हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक में आपकी सरकार आती है तब आप सवाल नहीं उठाते ईवीएम पर? ऐसा होता है, ये राजनीति फंड है, पांच स्टेट थी, उन्हें एक लाख को तो खुश करना है ना, तीन उन्होंने एक दो दे दी। ऐसे जी, जब ये जीतते कांग्रेसी तो ये कहते हैं जी मशीन ठीक है, और जब ये हारते हैं किसी चेयर से तो ये कहते हैं जी अब तो बिल्कुल मशीन है, मोदी जी ने कर दी खत्म, ये कहते हैं लोग। बोलो आप क्या कहोगे इसके आगे? आप तो आपको क्या लगता है ईवीएम में कुछ नहीं है? मोदी सरकार जिंदाबाद, ये हारेंगे और हार गए। अच्छा। और आने वाले 24 में भी हारेंगे ये लोग, सब फेल, सब फेल, सब फेल है, ये कुछ नहीं है। और राम मंदिर देखो ना, आज 65 साल से इनकी सरकारें चली आ रही है, जो बोल रही है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी भी 60 साल की उम्र हो गई है, अगर इनमें कुछ ताकत होती तो कुछ करते ना, धारा 370 हटाते, और इनमें ताकत होती तो हटाते ना ये। उसके बाद राम मंदिर आ गया, ये बनाया, और भी जो योजना बहुत मोदी जी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मोदी जी, बढ़िया और अच्छा काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको नहीं लगता कि उद्घाटन मोदी प्रधानमंत्री जी को नहीं करके शंकराचार्य को करना चाहिए? मिलके करेंगे, मिलके करेंगे, सब मिलके करेंगे। तो मना कर रहे हैं कि अरे राजनीति में धर्म को घुसा रहे हैं ये लोग? मैडम सब मिलके करेंगे। हाँ। देखो जी, जो उद्घाटन हो रहा है वो एक राजनीति हो रही है, वोट के खातिर उद्घाटन हो रहा है। अगर उद्घाटन करना था रामनवमी पे करते, तो इस टाइम जो शंकराचार्य इतने बड़े महान शंकराचार्य देश को धार्मिक सबसे बड़े धार्मिक जो आस्था जिनके ऊपर होती है, तो उनको क्यों नहीं करवाया गया? उनको बुलाना चाहिए था, उनके उनका इतराज इस बात का कि भी जो समय है उस समय के अनुसार करो, जो प्राण प्रतिष्ठा है वो तो उसी अनुसार, इसलिए वो नाराज है। वैसे कौन से कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन उनको गुस्सा है कि भाई ये गलत हो रहा है, नहीं करना था अपने समय पर। ये है राजनीतिक प्राण प्रतिष्ठा, क्या ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये वोट प्रतिष्ठा है। राम मंदिर मतलब कि राम मंदिर की जो ट्रस्टी है चंपत राय, वो कह रहे विष्णु का रूप है प्रधानमंत्री? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। हाँ। जो मोदी जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, नहीं विष्णु का रूप है प्रधानमंत्री या नहीं है? कम से कम ये देखे ना कि हिंदू धर्म के अंदर इतना बड़ा मोदी जी काम कर रहे हैं, सबको खुशी होनी चाहिए। जो देखिए मेरे भाई है, कह रहे खुशी है हमें, पर राजनीति को धर्म में क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं कोई नहीं जोड़ रहा, तो महाराजों को नहीं मिलाएंगे उनको। अब वो नाराज नहीं है, अभी हो जाएगी सारी आपस में बात बैठ के। हाँ, उनकी हाँ, जो चल रही है बातचीत से हो जाएंगी सारी। लग रहा है कि मोदी जी मना, बिल्कुल मना लेंगे मोदी जी, मोदी जी है उनका नाम। हाँ, जो कहते हैं वो मुमकिन है, मुमकिन नहीं है उनके लिए। सर तो कह रहे हैं अहंकार भसा हुआ है, अहंकार ऐसा कुछ नहीं है, अहंकार कांग्रेस में है। अच्छा। मैं खुलेआम कह रहा हूँ सबके बीच में, किस बात का अहंकार है कांग्रेस? अहंकार ही जब पीछे हो गए 60 साल में, इन्होंने क्या करा? मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था कि मुद्दा वो कह रहा हूँ कश्मीर का मंदिर का, ये क्या है, क्या कह रहे हैं इन लोगों ने 60 साल में बता दो। तो मंदिर से रोजगार मिलेगा क्या? सब कुछ मिलेगा, जाएगा वो आस्ते आस्ते सब कुछ करेगा। कैसे मिलेगा? एक 60 साल, 63 साल और एक 9 साल। नहीं, मंदिर से रोजगार कैसे मिलेगा? मंदिर से नहीं कह रहा मैं। हाँ। मंदिर का उसको उद्घाटन तो होने दो। हाँ। पुजारियों को मिलेगा। हाँ। अच्छा, अभी एक खबर और आ रही है, छत्री और ठाकुर समाज के लोग काफी नाराज हैं, जो 24 पंडित हैं जिसमें से 21 ब्राह्मण है, 2 दलित है, 1 OBC है, जिसमें ठाकुर और क्षत्रिय नहीं है, वो नाराज है, कह रहे हमारा तो कुछ हो ही नहीं है राम मंदिर में, कुछ राम मंदिर में उनका इसलिए नहीं है। देखो जी, इसके अंदर भी राजनीति होती है, पैसा मंदिर होगा तो क्या कमाई नहीं होती? कमाई होती है, वहाँ पुजारी होते हैं, मठ में होते हैं, उनका काम क्या है? यही काम है, पूजा कराना, ये करना मठ के अंदर। बाकी रही आप चंपत जी की बात कर, चंपत ने पहले भी चपट लगाई थी, शायद आपको मालूम होना चाहिए। हाँ जी, ध्यान है ना, चंपत लाई ने वो भी लगाई थी, राजचंद
वो जाके ऐसे मजाक करते हैं कि मैंने 60 करोड़ का वो लगाया है, अगर ये चोरी हो गया तो ये गर्दन कट जाएगी पुजारी की, ये भी बातें निकली है। रही और पूछे जाए और क्या विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रस्ताव दिया गया, करोड़ों की आस्था है, कांग्रेस की आस्था नहीं है, हम मंदिर नहीं जाते, हमारी भी आस्था है, लेकिन इसको राजनीति ना लेके धार्मिक काम करते हर कोई तैयार हो जाता। उनको बुलाया, उनको कहा आने के लिए कि आप आइए, लेकिन क्या भैया राजनीति है, ये आरएसएस और बीजेपी का काम प्रोग्राम है, अगर धार्मिक का होता हम जरूर जाते, इसलिए जाने की बात है, 22 के बाद 24 को चले जाएंगे, 25 को जाने को कोई नहीं रोकेगा। अभी कुमार विकास गया जी आपके सामने, पूरे इलाके में घूमा, जय सिया राम चंद्र की जय, जय सिया राम चंद्र की जय बोली। देश की भावना है लोगों की कि राम मंदिर से ही मतलब नहीं है कि 24 का इसमें वहाँ पूरी जोर से कांग्रेस आएगी, ये जो हमारी गठबंधन हुआ है देश का सबसे अहंकारी आदमी को नीचे करने के लिए, ये उनको नीचे करने के लिए ये इंडिया का जो बना है गठबंधन, ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एक आदमी बैठा हुआ है अपनी चला रहा है, हर जगह अपनी चला रहा है। आपने देखा गुजरात के अंदर मोदी जी बैठे थे, वो किसी को नहीं बोलने देते थे, अब लोकसभा में विपक्ष को नहीं बोलने देते, जब देखो माइक बंद कर देते हैं, जब देखो अपनी मर्जी करते हैं, अभी कितना बेशर्म की बात है, देखो हमारे देश के अंदर हमारी लोकसभा में कोई भी घुस जाता है, ऐसे घुस जाता है लोकसभा में, ये देश के अंदर जो जो काम है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं और ये जो बनी है, जो बना है, एजुकेशन बना है, पढ़ाई लिखाई का बने हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए, ये देश में पहले बन चुके हैं, ये क्या अपने बीजेपी ने बना दी, ये मोदी जी ने बना दी, ये कौन सा है 14 साल के अंदर। तो मामला बड़ा गहमा गहमी यानी गर्मा गर्मी का हो गया, राजनीति यहाँ पर कहीं नहीं, राजनीति कहीं ना कहीं लोगों में भी आ चुकी है। राम मंदिर उद्घाटन के लिए कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष और मोदी जी अहंकार में डूब चुके हैं, इसलिए शंकराचार्य को नहीं पूछ रहे, और इधर ये अंकल कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सबको बुलाएंगे, शंकराचार्य सबसे बातचीत होगी, सबसे बातचीत करके वो प्राण प्रतिष्ठा रखेंगे। पर देखना यही होगा कि 22 जनवरी उद्घाटन पर क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या नहीं होगा, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।